अगर आपके पास NSDL का ब्रांच है, NSDL ID है, और आप चाह रहे हैं कि अपने NSDL लॉग ID को लॉगिन करने के लिए कैसे क्या प्रक्रिया है, कैसे लॉगिन कर पाएंगे, अगर आप न्यू सिस्टम लिए उस सिस्टम में अपने ID को चलाना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं, इससे पहले आपका जो NSDL ब्रांच वो किसी और कंप्यूटर लैपटॉप में चल रहा था, लेकिन अब न्यू कंप्यूटर लिए हम अब चाहते हैं कि उसमें हम NSDL के ब्रांच को यूज करें, तो उसके लिए कैसे, अगर आप फर्स्ट टाइम है NSDL के ब्रांच लिए हैं तब भी आप ये स्टेप को फॉलो कर सकते हो। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। उसके लिए गूगल में आएंगे और लिखेंगे लॉगिन मैनेजर। जैसे गूगल में लिखेंगे लॉगिन मैनेजर, सबसे पहले आपको लॉगिन मैनेजर NSDL की ऑप्शन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको NSDL की वो वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर जाएगा जहाँ से आप लॉगिन करके अपना NSDL का वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए बोलेगा जो आपके सिस्टम में रन होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे क्लिक हियर फॉर डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सिस्टम में एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं वो छोटा सा एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे और इस एप्लीकेशन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। और जब भी आप अपने NSDL की ID को लॉगिन करेंगे उसके लिए आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन को रन कराना अनिवार्य होता है। चलिए इसे हम इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट। और यहाँ पर अगर शॉर्टकट लेना चाहे अपने सिस्टम पर तो इसको आप टिक मार्क लगाएंगे, उसका नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे। ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि देख पा रहे हैं आप ये इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल हो गया, ओके कर देंगे। तो उसके बाद हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये एप्लीकेशन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल। जब भी हम अपने सिस्टम को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद एक बार इसको रन करेंगे, रन करने के बाद ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे लॉगिन करने। अब जब भी हम NSDL ID को लॉगिन करेंगे NSDL ब्रांच को, उसके लिए ये सिस्टम को रन कराना होगा। इस सिस्टम को रन कराने के लिए ओके करेंगे और यहाँ पे कह रहा है दिस एप्लीकेशन के लिए आपको जावा इंस्टॉल करना चाहिए, ज़रूरी है, तो इसके लिए जावा इंस्टॉल कर लेंगे। जावा हमारे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है। जावा इंस्टॉल करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना हो, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, और यहाँ पे एग्री एंड स्टार्ट फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और जावा आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे देखेंगे जावा जो सॉफ्टवेयर है ये डाउनलोड हो चुका है। अब इस सॉफ्टवेयर को भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो बिना जावा के नहीं चलते हैं, जैसे कि ये सॉफ्टवेयर बिना जावा के नहीं चलते। इसी तरह CSC के DGP भी बिना जावा के नहीं चलते। इस जावा एप्लीकेशन को भी हम इंस्टॉल करेंगे अपने लैपटॉप में। ये प्रक्रिया आप शुरू से बता रहे हैं क्योंकि मैंने न्यू लैपटॉप लिया और उसमें मैं ये करके दिखा रहा हूँ क्या क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन किया जाता है, ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपके सामने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और इस जावा भी इंस्टॉल कर रहे हैं, ताकि आपको अगर न्यू लैपटॉप ले या न्यू फर्स्ट टाइम आप NSDL लॉगिन ID करें तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम से कैसे सॉल्यूशन पा सकते हैं, ये सब आप देखेंगे। तो अभी मैंने आपके सामने जावा को इंस्टॉल किया और उस जावा को रन कराया। रन कराने का तो NSDL की ये ID लॉगिन डाउनलोड भी कर चुके हैं हम, और जावा मेरे सिस्टम में नहीं था, जावा भी हम डाउनलोड कर चुके हैं। अब इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपके सिस्टम में रनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इस पर क्लिक करने के बाद कोई भी सिंटोफेस कोई भी ओपन नहीं, कोई चीज़ आपके सामने ओपन नहीं होगा, बल्कि ये बैकग्राउंड में रनिंग होना स्टार्ट हो, यानी कि वो बैकग्राउंड में काम करना स्टार्ट कर देगा। उस एप्लीकेशन पर क्लिक करके बैकग्राउंड में रनिंग कराएंगे तभी आप इस वेबसाइट पर आएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, मशीन रजिस्टर करना है। फर्स्ट टाइम अगर आप लॉगिन कर रहे हैं न्यू सिस्टम पे या पहली बार आप सिस्टम पे लॉगिन कर रहे हैं ID को, तो सबसे पहले आपको न्यू मशीन को रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे आपको मशीन रजिस्टर करना होगा, उसके लिए क्लिक पे क्लिक करेंगे। यानी कि जब भी फर्स्ट टाइम आप किसी न्यू लैपटॉप या कंप्यूटर में NSDL ID लॉगिन करेंगे उसके लिए आपको मशीन रजिस्टर करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपका पैन सेंटर जो भी होगा पैन सेंटर यहाँ पर देंगे, अपना NSDL का ब्रांच देंगे, उसके बाद इस कैप्चर को यहाँ पे इस बॉक्स में इंटर करेंगे। कैप्चर को इंटर करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना। सबमिट करने के बाद यहाँ पे कह रहा है मशीन रजिस्टर है, क्योंकि मैंने पहले ही रजिस्टर कर, अब मुझे लॉगिन करने बोलेगा तो मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, यहीं पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे अपना यूजर नेम देंगे, अपने सेंटर का कोड डालेंगे, NSDL ब्रांच देंगे, पासवर्ड देंगे, इस कैप्चर को इस बॉक्स में इंटर करेंगे, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे।
सबमिट करने के बाद आपको पासवर्ड चेंज करने बोलेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना ओल्ड पासवर्ड देंगे, जो पासवर्ड से आप लॉगिन करें, यानी कि फर्स्ट टाइम अगर लॉगिन करेंगे तो आपको पासवर्ड चेंज करने के बोलेगा। तो यहाँ पे पासवर्ड न्यू ओल्ड पासवर्ड देंगे और न्यू पासवर्ड जो रखना चाहते हैं मनपसंद पासवर्ड वो डालेंगे और उसी पासवर्ड यहाँ पे कन्फर्म करेंगे। पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पासवर्ड में कम से कम एक नंबर भी होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। इस तरह आपको पासवर्ड बनाना होगा। जिस तरह आप यहाँ पे पासवर्ड फिलअप करने के बाद सबमिट करेंगे, पासवर्ड चेंज हो जाने के बाद ये ऑटोमेटिक लॉग आउट कर देगा और फिर से लॉगिन करने के लिए आपको बोलेगा। तो यहाँ पे आपको फिर से लॉगिन करना है, फिर से इस बार आपको न्यू पासवर्ड देना होगा क्योंकि पिछली बार हमने पुराना पासवर्ड दिया था। तो अब न्यू पासवर्ड देंगे, कैप्चर जो भी है कैप्चर डालेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट बटन में क्लिक करेंगे आपका एनजीएल का जो ब्रांच है वो लॉगिन हो चुका है। आपका ब्रांच कोड और ब्रांच किस कंपनी से लिया और आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको वॉलेट बैलेंस जानना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ब्रांच परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, अपनी किसी भी पेन एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं और यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह भी मिल जाएगा। सबसे पहले आप ये जानेंगे आपके ब्रांच में कितने रुपए हैं आपके आईडी में। तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए अवेलेबल लिमिट मेरा 7 रुपये, यानी कि अवेलेबल लिमिट में जितना भी रहेगा वो आपका ब्रांच का बैलेंस होगा। ठीक है, अवेलेबल लिमिट में आपका ब्रांच का बैलेंस होगा। ठीक है, तो और यहाँ से आप पैन कार्ड बना सकते हैं। पैन कार्ड कैसे बनाते हैं, कैसे सुधार करते हैं, उस पर मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसी तरह आप जान सकते हैं और कितने आपके आईडी में कितने मशीन रजिस्टर वो सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। रजिस्टर मशीन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे व्यू रजिस्टर मशीन पर क्लिक करेंगे तो कितने भी मशीन आपके सिस्टम में रजिस्टर वो सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको एनएचडीएल का ब्रांच चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।